आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन के प्रोसेस में बैठे चले जाएं, अंतर्मुखता का दीप जलाएं, बहिर्मुखी जीवन में सारे क्षण सारे पल सारे श्वास खर्च नहीं करना है। उसके साथ साथ अंतर्मुखता का एक महान दीप भी जलाते चले जाना, बाहर भीतर दोनों का सामंजस्य रखना, बहिर्मुखता अंतर्मुखता दोनों का संतुलन रखना, बाहर से पड़ी हुई भीतर संस्कारों की विकारों की विचारों की धूल को धोते चले जाना, सत्संग की पावन वाइब्रेशंस में बैठकर संगीतमय वातावरण में उतरकर तुम भीतर की क्लेंसिंग, भीतर की सफाई, भीतर की स्वच्छता में उतरना। मेडिटेशन तुझे तेरी मंजिल की ओर उतारती चली जाएगी। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है, भीतर के नेत्र के समक्ष जो जो घटित हो रहा है उसको देखते चले जाना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, अपनी ओर से कोई पॉइंट कोई बिंदु कोई ऑब्जेक्ट नहीं बिठाना, केवल मात्र वही देखना जो सदा दिखाई दे रहा है। एकमात्र तेरे सामने की स्क्रीन पर तेरे भीतर जो जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसी को देखते चले जाना। जागे जागे मन जो जो भी दिखाए उसको मुदित भाव में देखते रहना, तनिक मात्र रिएक्शन नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया ना हो, कोई चुनाव ना हो, तनिक मात्र कोई भेदभाव ना हो, भीतर के उठते हुए विचारों के प्रति कोई पकड़ ना हो, तुम केवल एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते रहना। निष्पक्ष निरपेक्ष भाव में तुम जागे जागे मन माया के विस्तार को देखते रहना। सभी गैर जरूरी विचार संस्कार विकार विकल्प वृत्तियों की ऊहापोह अपने आप विदा होती चली जाती है, सब विसर्जित होता चला जाता है। जो जो नहीं चाहिए, जो जो गैर जरूरी धूल डस्ट भीतर इकट्ठी हो जाती है और टेंशन हाइपरटेंशन स्ट्रेस का कारण बनती है, वो सब स्वतः ही धुलता चला जाता है। जब तू मन से हट करके इस मन की माया को देखने लगता है, ये सारी मन की ही माया है, अंधेरा विचार विकार विकल्प वृत्तियां विक्षिप्तताएं, ये तमाम मन की प्रॉपर्टीज हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब विकार राग द्वेष इत्यादि ये मन की प्रॉपर्टीज, मन के खेल, मन का जादू, मन का विस्तार, मन की माया, मन ही माया। बात ध्यान पूर्वक देखते रहना, जागे जागे देखते रहना, लगातार देखते रहना, कहीं लिप्त ना होना, कहीं खो ना जाना। तुम केवल जागे जागे देखना और कुछ करना नहीं, सहज अवस्था में जागे रहना। मन कहीं भी जाए,
उसके साथ भागना नहीं, तुम भीतर रहना। मन सदाई भूत भविष्य में रहता है, बाहर रहता है, उसका स्वभाव है। उसके स्वभाव को समझते चले जाना और तुम भीतर रहना। तुम हो देखने वाले साक्षी दृष्टा, तुम वर्तमान की घड़ियों में रहना। वर्तमान तुम्हारा निवास है, भूत भविष्य मन का निवास है। वो अपने निवास की ओर जा रहा है, वो अपने स्रोत की ओर जा रहा है। तुम भी अपने स्रोत में रहना, तुम मन के साथ भागना नहीं, तुम जागना। बनके मेरा हम कदम तुम साथ चल, मुर्शिद साथ चल, वाहे गुरु साथ चल, सदगुरु साथ चल। बनके मेरा हम कदम तू साथ चल, बनके मेरा हम कदम तू साथ चल, तू साथ चल। कुछ तो हो तन्हाई कम तू साथ चल, कुछ तो हो कठिनाई कम तू साथ चल। बन के मेरा हम कदम तू साथ चल, सफर में तुझ जैसे कम
साथी चल सफर में तुझ जैसे कम तू साथी चल तू साथी चल कुछ तो हो तन्हाई कम तू साथी चल गुरुवर साथी चल सुंदर सी गाथा आती है भारत के इतिहास में असंग नाम के एक महान व्यक्ति की, जिसका नाम असंग आर्य है। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़े प्रोफेसर हुए, फिलॉसफी के प्रोफेसर हुए, परंतु फिलॉसफी में उतरते 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 दर्शन शास्त्र में उतरते 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 उसको एक दिन भूख लगी जानने की। बैठा बैठा शोपनहावर की तरह उसके ऊपर एक तरंग उठी कि दर्शन शास्त्र में पारंगत होकर के भी, इतना बड़ा दार्शनिक होकर के भी, इतना बड़ा फिलोसोफर होकर के भी, इतना बड़ा प्रोफेसर होकर के भी, अभी तुझे वो मालूम नहीं जिसके बारे में तू पढ़ता है। उसके बारे में जानना और है, उसको जानना और है। उसको जानने की जब प्यास पकड़ती है असंग आर्य को, तो रात दिन बेचैन हो उठता है, रात की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन उड़ जाता है। आज तक दर्शन शास्त्र पढ़ा, दर्शन शास्त्र के तमाम अंगों प्रत्यंगों को पढ़ा, जाना उसके बारे में किंतु उसको नहीं जाना। दर्शन शास्त्र ध्यान न बन सका भीतर का, वो भीतर की प्यास न बन सका, वो मेडिटेशन न बन सका। उसी मेडिटेशन की ओर बढ़ने के लिए, अंतस प्यास की ओर बढ़ने के लिए उसके ऊपर ग्रेस उतरती है परमात्मा की। प्यास उमड़ने लगती है, इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन प्रोफेसरी को ठोकर मार करके सदगुरु के द्वार पहुंच जाता है। वो बुद्धि के तल से उतर करके हृदय द्वार में प्रवेश पाना चाहता है, वो शब्दों से निःशब्द की ओर जाना चाहता है, वो विचार से निर्विचार की ओर जाना चाहता है, वो अनेकों अनेकों शब्दों से शून्य की ओर जाना चाहता है। वो फिलोसफी का बहुत महान प्रोफेसर नालंदा यूनिवर्सिटी का ठोकर मार करके चल देता है अपने भीतर की प्यास को तृप्त करने के लिए। सदगुरु द्वार जाता है, मिटने की प्रक्रिया में उतर जाता है। एक दिन सदगुरु ने कहा, तेरी प्यास तेरा विरह तेरी अगन को पुनः बढ़ाने के लिए मैं थोड़े दिन के लिए जा रहा। भीतर भीतर कहा मुर्शिद ने, छोड़ करके चले गए किंतु कुछ महीनों तक वापस नहीं आए। आखिर उसके विरह में डूबा हुआ वो प्रोफेसर एक संकल्प करता है कि अब मुझको अपने भीतर की खोज तलाश में अपनी ओर मुड़ जाना है, कहीं बैठ जाना है। तो भीतर से संकल्प उठा कि मैं 3 साल लगातार, 4 साल लगातार, 5 साल लगातार इसी एक भीतर की प्यास को तृप्त करने में जुट जाऊं। मुर्शिद कहीं भी हो, वो अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी रहमत बरसाएगा। मेरा जोड़ उसके साथ, मेरा योग उसके साथ, मेरी एक जुगलबंदी उसके साथ है। किसी कारण से वापस नहीं लौटे और उनकी कोई खबर भी नहीं आई, परंतु वो मुझसे दूर नहीं है। रुदन की धारा में डूब डूब करके वो अपनी ध्यान और प्रेम की महान धारा को बहाने लगा। 3 साल गुजर गए, गुरुदेव नहीं आए और भीतर की प्यास भी तृप्त नहीं हुई। आखिर दुखी होकर के, निराश होकर के वो प्रोफेसर अपने कमरे से, कुटिया से बाहर आता है जीवन से विदाई लेने के लिए। अर्थात उस तमाम प्रकार के साधना पद्धति के मार्ग से, साधना के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से, प्रभु प्रेम के मार्ग से निराश होकर के घर वापस लौटना चाहता है। जैसे ही वो अपने कमरे की दहलीज पर बैठता है,
तो सामने क्या देखता है, एक वृक्ष है, उसके ऊपर चिड़िया अपना घोंसला बनाने में लगी है। एकदम आंख उसके ऊपर गई, हैरान हो गया देख करके कि वो चिड़िया अनेकों अनेकों पास वाले पेड़ों पर जाती है, वहां से सूखे सूखे तिनके उठाती है और उन तिनकों को एक वृक्ष के ऊपर ला करके इकट्ठा करने की कोशिश करती है, घोंसला बनाने की कोशिश करती है, अपना घर बनाने की कोशिश करती है, किंतु तिनके बिखर जाते हैं, पुनः पुनः गिर जाते हैं। वो चिड़िया बार बार उस पेड़ को छोड़ करके अनेकों पेड़ों पर जाती है, बार बार जाती है, बार बार वो सूखे पत्ते लाती है, सूखी टहनी बारीक बारीक टहनियाँ उठा करके लाती है, बार बार अपने घोंसले को बनाने में लग जाती है, किंतु एक बार भी सफल नहीं हो पा रही। हर बार वो टूट जाता है, गिर जाता है, पत्ते बिखर जाता है, परंतु वो निराश नहीं होती। बार बार चिड़िया ऐसे ही मटेरियल को इकट्ठा करने में लगी रहती है और शाम हो गई, देखते देखते उसको भी चिड़िया थकी नहीं, निराश नहीं हुई, अपने प्रयास जारी रखे। एकदम ध्यान आया, ख्याल आया कि भाई प्रोफेसर, मैं इंसान, मैं बंदा, मैं मानव चोले को उदाहरण किया हुआ मनुष्य, और ये तो चिड़िया है, ये तो एक पक्षी है, पक्षी होकर के भी नहीं थका अपने एंडीवर में, अपने एडवेंचर में, अपने प्रयास में वो एक पल के लिए भी थकी नहीं चिड़िया, और मैं इंसान होकर के थक गया, मैं इंसान होकर के निराश, जन्मों जन्म तक भी लग जाए तो भी निराशा नहीं होनी चाहिए प्रभु की खोज और तलाश के मार्ग पर, और मैं 3 साल में, मैं 4 साल में थक गया। एकदम वापस मुड़ता है अपने भीतर कमरे में और फिर डूब जाता है प्रभु भक्ति में, प्रभु प्रेम में, उसकी तलाश और उसके ध्यान में, निरंतर उसकी साधना में डूब जाता है, और चाहूं और प्रकृति की पावन गोदी में निरंतर झूलता है। फिर 4 वर्ष गुजर गए, 3-4 वर्ष गुजरे, कुछ हाथ तो लगा नहीं, गहराई तो आई परंतु आत्म द्वार खुला नहीं, हृदय द्वार पूर्णतया खुला नहीं, फिर निराश हो उठा। जब फिर निराश होकर के घर वापस लौटने लगा तो एक और घटना देखा, जाने से पूर्व उसकी आंख अपने कमरे की छत पर चली गई, बाहर के बरामदे की छत पर देखा, क्या एक मकड़ी जाला बुन रही है, बार बार बुनती है, बार बार टूटता है, अनेकों बार बुनती है, अनेकों बार टूटता है, वो पूरा जाला नहीं बन पाता, परंतु मकड़ी जुटी पड़ी है, लगातार जाला बुनने में लगी है मकड़ी। हैरान रह गया दूसरी घटना को देख करके कि परमात्मा क्या दिखा रहा है, घंटों घंटों देखता रहा, मकड़ी निराश नहीं हुई अपने जाल को बनाने में, निरंतर बनाती चली जाती है, वो बुनती हुई थकी नहीं, और जब तक पूरा बुन नहीं जाता तब तक जुटी पड़ी है। ये सबक उस प्रोफेसर को मकड़ी ने दिया, वो पुनः अपने भीतर के एंडीवर में, प्यास में पुनः डूब गया, परंतु फिर भी गुरु कृपा, गुरु की समीपता, गुरु की निकटता, गुरु का सानिध्य न मिलने के कारण सफल नहीं हो पाया असंग आर्य प्रोफेसर। आखिर अंतिम कदम उठाता है कि अब नहीं रहूंगा, अब मुर्शिद मिला नहीं, सदगुरु की कृपा हुई नहीं, उसका सानिध्य जिसके लिए मैंने सारी फिलॉसफी को ठोकर मारा, जिसके लिए मैंने बड़े बड़े शिखर बाहर गंवा डाले, वो मुर्शिद का सानिध्य तो मिला नहीं, और ये जीवन सफल हो नहीं पाएगा, इसलिए पुनः वापस जाऊंगा, इस बार कुछ भी परमात्मा दिखाए मैं नहीं देखूंगा, मैं आंख मूंद करके निकल जाऊंगा, अब मुझे और कुछ देखना नहीं है, क्योंकि अब मैं पूरी तरह विफल हो चुका हूं, थक चुका हूं, गुरुदेव आए नहीं वापस। और यही कहता है, चला जा रहा है, मेरी प्यास कहती है हरे जन्म तू साथ चल, तू साथ चल, ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, आ
कहती है हर जन्म तू साथ चल, तू साथ चल। पहाड़ों के शिखरों से नीचे उतरता जा रहा है, आंख मूंदी है, भीतर अपने गुरु का प्रसाद, गुरु की मूर्त सूरत को धारण किए हुए, भले कितना भी निराश है किंतु गुरु के चरण शरण को अपने भीतर धारण किए हुए निरंतर वापस लौट रहा है। जैसे ही पहाड़ों से उतरता हुआ, अभी आधा सफर ही तय हुआ था पहाड़ों से उतरने का, कि बीच में ही उसको एक कुतिया मिला जिसकी पीठ के ऊपर जख्म ही जख्म है, बहुत जख्म से भरी है कुतिया। उसका दुख देख करके, दर्द देख करके उसकी आंख में करुणा उतरी। उसकी तपस्या, उसका तप, उसकी साधना, उसकी ध्यान भक्ति करुणा के रूप में रूपांतरित हो गई। कुतिया की आत्मा उसे ऐसे लगी जैसे उसकी अपनी आत्मा है। एकदम देखा उसकी पीठ के पास जाकर के, वो जख्म ही नहीं है किंतु जख्मों के अंदर कीड़े चल रहे हैं और वो तड़फ रही है। क्या मक्खी, क्या मच्छर बैठ रहे हैं, क्या कीड़े लगे हैं उन जख्मों के अंदर। करुणा उतरी, भीतर का ध्यान प्रेम में परिवर्तित हुआ, भीतर की साधना शौर्य बनकर के बाहर आई, भीतर की भक्ति करुणा का रूप लेकर के, दया का रूप लेकर के, अनुकंपा का रूप लेकर के रहमत बरसा गई। वो अपने हाथों से उन जख्मों को धोने लगा, एक एक जख्म से एक एक कीड़ा उठा करके बाहर जैसे फेंकता है, ऐसे एक एक अवगुण, एक एक अहंकार की बटिया भीतर से बाहर गिरती चली जाती है। जैसे जैसे वो बाहर उसकी पेट को धोता है जल से, ऐसे ऐसे उसके भीतर धुलता चला जाता है, सारी क्लेंसिंग होती चली जाती है। जैसे ही उसने कुतिया को विश्राम दिया, सुख दिया, उसके सारे जख्मों को विदा किया, उसके ऊपर प्रेम भरी नजर उड़ा दी, जैसे ही वो प्रेम प्यास सेवा का रूप बनकर के उस कुतिया के ऊपर उतरा, करुणा का रूप बनकर के उतरा, ठीक उसी पल में जब अहंकार नहीं बचा, अभिमान नहीं बचा, एक उस पल में परमात्मा का दीदार हो गया। और जैसे ही आंख उठा करके खोल करके सामने देखता है तो वो कुतिया नहीं, वो सदगुरु खड़ा है। उसी पहाड़ पर कुतिया, जिस पहाड़ पे तू था, कहां गई? मुस्कुरा करके सदगुरु कहता है, मुर्शिद कहता है, मैं ही था। ओ प्रोफेसर शिखर की, फिलॉसफी के शिखर, जितना बड़ा शिखर लेकर के तू मेरे द्वार पर आया था, उतना ही बड़ा टेस्ट तुझको फेस करना पड़ा। परंतु एक बात की कमी रह गई थी, मैं तेरे भीतर प्रवेश न कर पाया, तूने मुझे अवसर नहीं दिया, इसलिए तुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं वहां हूं, मैं वहीं था। इस तेरे सूक्ष्म अहंकार को, मान को विदा करने के लिए मुझे ये रचना रचनी पड़ी। असंग, हा कहां है तू? बस अब मैं वही हूं जहां तू है मुर्शिद। छाती से लगाकर अपने असंग शिष्य को चूम चूम करके मुर्शिद कहता है, ये अभिमान ही, अहंकार ही, ये बुद्धि का तल ही तुझको मेरे से दूर किए बैठा था। जिस समय तेरे भीतर का साधना दीप अपना प्रकाश लेकर के तेरी नजरों से बाहर उतरा, करुणा का रूप बनकर के, तो तेरा अहंकार धुलता चला गया। ये करुणा, ये दया, ये अनुकंपा, ये प्रेम तेरी नजरों से बरसता हुआ कुतिया की उस जख्मों के ऊपर सेवा का रूप बनकर के उतरा, प्रेम का स्वरूप बनकर के उतरा,
तो उसी घड़ी में तेरे भीतर प्रकट हो गया। मैंने तेरा अहंकार अभिमान पी लिया और तुझको अपने स्वरूप में डुबो दिया। अब तू और मैं एक। हाँ मुर्शिद, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन चरणों से मुझे दूर ना करना, चाहे कितना भी प्रकाश पुंज आपने उड़ेल दिया, ये ना कहना कि तू और मैं एक हो गया। भले उस प्रकाश पुंज के तल पर हम दोनों एक हैं, किंतु गुरुवर इतना दूर मत रहना, तुम फिर रूठ ना जाना, फिर विदा ना हो जाना, फिर विदा ना हो जाना। एक निर्दोष बच्चे की तरह, एक बच्चे की न्याय पुकारता हुआ वो प्रोफेसर कहता है। अब वो भीतर का प्रोफेसर हो गया। प्रोफेसर इज ही हु प्रोफेसेस रिलीजन, हु प्रोफेसेस स्पिरिचुअलिटी, हु प्रोफेसेस मेडिटेशन। ही इज द ओनली मास्टर टीचर मैडम हु प्रोफेसेस मेडिटेशन अलोंग विद एजुकेशन। ज्ञान विज्ञान के साथ आत्मज्ञान की जो जो जगावे वो गुरु सदगुरु होता है। जो त्रिवेणी में स्नान करवा दावे वो सदगुरु होता है। और इससे भी बड़ा और सदगुरु की परिभाषा, जो तेरा भीतर का सारा ज्ञान छीन करके तुझको ध्यान का महान दीप दे दावे वो सदगुरु। जो तुझे अंतर्मुक्ता के द्वार पर प्यास से भरपूर दीवाना बना करके उतार दावे, बाहर तू पूरी बेहोशी में और भीतर तू पूरी होश में ठहर जावे, ऐसी कृपा करुणा बरसाने वाला होता है एक जागा पुरुष सदगुरु। जो तेरी प्यास को दिन रात जाने अनजाने में, तुझे पता है नहीं पता है, वो सींचता चला जाता है, वो अपनी करुणा बरसाता चला जाता है। प्रोफेसर, आज के बाद असंग आर्य असंग भिक्षु हो गए, असंग साधु संत हो गए, सदगुरु हो गए। बहुत सुंदर भाव लेकर के प्रार्थना किया है उस समय प्रोफेसर असंग आर्य नाम के महान महापुरुष ने। ओ मुर्शिद, इतनी कृपा कर देना। क्या बन के मेरा हम कदम, तू साथ चल, तू साथ